दोस्तों इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो कि हरिद्वार से मात्र 8 किलोमीटर दूर है और प्रकृति की एकदम गोद में बसी हुई है। यह दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क के बीचों बीच बसा हुआ एक खूबसूरत मंदिर जिस पर हम जाने वाले हैं, जहां पर देवराज इंद्र ने तपस्या की थी और माता जी ने वहां पर प्रकट होकर इंद्र को बचाया था। तो आज के ब्लॉग में हम इस मंदिर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, वहाँ जाके दर्शन करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। तो दोस्तों आज हम आए एक बहुत ही सुंदर जगह पर और ये है पौराणिक सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर। हरिद्वार में उतना फेमस नहीं है एक्चुअली, बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट हाँ लोकल्स जो हैं वो आते रहते हैं। और कितना सुंदर है ये तो आप आगे देखेंगे, अभी मैं बोल के अभी बताऊंगा तो आप शायद समझ ना पाएँ, क्योंकि अब थोड़ा सा आप समझिए, रास्ता देख के आपको समझ आ जाएगा। और ये आता है आपका राजा जी टाइगर पार्क में, जो रिजर्व पार्क राजा जी का, उसके अंडर आता है। तो यहाँ पर लिखी हुई है कुछ वार्निंग्स जिनको आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जगह आती है नेशनल पार्क के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पर नेशनल पार्क वालों से अनुमति लेना जरूरी है, जिसकी नॉमिनल फीस है 10 रुपये मात्र और 20 रुपये लगती हैं पार्किंग की, तो 30 रुपये दे के आप यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूँ यहाँ पर ये है राजा जी नेशनल पार्क, तो इसमें भी आप जंगल सफारी का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी मॉनसून है इसलिए देखेंगे आप यहाँ पर बंद है। और इधर है माता जी का एंट्री डोर, एकदम पास से ही है और सामने से हम आए हैं। ये रास्ता है हरिद्वार से रानीपुर होते हुए आना होता है, रानीपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, ये बहुत दूर नहीं है। और अंदर जाने के लिए आपको यहीं से स्लिप कटानी होगी और आप अंदर जा सकते हैं। टाइमिंग्स आपको बता दूँ, सर्दियों के टाइम पर ये 8 बजे से 4 बजे तक खुलता है और बाकी टाइम पर 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलता है, तो आप टाइमिंग्स भी देख कर ही यहाँ पर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी, जय माता दी बोलकर हम एक ही कार में जा रहे हैं, 5 लोग हैं, बट एंजॉय करते हुए जाएंगे आराम से, क्योंकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये रास्ता मात्र 1.5 किलोमीटर का है लेकिन बहुत सुंदर है। हालांकि यहाँ पर रुकना मना है बिल्कुल, आपको जब जाएंगे आप एंट्री करेंगे तभी बोल दिया जाएगा कि आप रास्ते में कहीं भी रुक नहीं सकते, कोई फोटोशूट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार इस रास्ते पर जंगली जानवर आ जाते हैं, जैसे कि हाथी, जो कि राजा जी पार्क में बहुत ज़्यादा फेमस है। राजा जी पार्क में हाथियों के लिए ही जाना जाता है, तो यहाँ पर आप जब रुकते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, तो इससे बेटर है कि आप चले जाएँ यहाँ से, रुकना मना है यहाँ पर। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं आपको, बारिश के टाइम पर ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, हालांकि सड़क बनी हुई है लेकिन ये पुरानी सड़क है, कई जगह से टूटी हुई है, तो बहुत अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए आप जो भी व्हीकल लेके आ रहे हैं थोड़ा सा सेफ्टी से आएँ। और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इसको बंद भी कर दिया जाता है कई बार, जैसे हम लास्ट ईयर भी आए थे तो बंद था उस टाइम पर, बट रास्ता बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ पूरा ग्रीनरी से है, बीच में पेड़ हैं, तो मज़ा आ जाता है एकदम। हालांकि आप 2-व्हीलर से भी आ सकते हैं, कोई ऐसा डर नहीं है, लेकिन तब भी सेफ्टी के लिए पैदल तो जाने नहीं देते ऑब्वियसली, आपको रुकना नहीं होता है कहीं पर भी। और जब भी आप आने का प्लान करें थोड़ा सा टाइम और मौसम भी देख लें, जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ आके पर आपको पता चले कि मंदिर बंद होने वाला है या बंद हो गया है या फिर फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है, तो एक बार थोड़ा सा देख लें मौसम और टाइम को, उसके बाद ही आप यहाँ पर आएँ। देवी मंदिर, और ये था रास्ता, आप देख चुके हैं कितना ज़बरदस्त था ये, कुछ ऐसा है। तो आप जब कार लेके आएंगे तो देख के आएँ थोड़ा सा कि कौन सी कार ला रहे हैं, अगर हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो बेटर होगा, अदरवाइज़ तो ये डिज़ायर भी आ ही गई है। तो कुछ ऐसे भी आते हैं लोग ऑटो लेके भी अपना, ये भी आ सकते हैं आप घूम लें, बट आपको लाना कुछ पर्सनली पड़ेगा और कुछ व्हीकल
आता नहीं है, प्राइवेट ही लाना पड़ेगा आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं आसपास की एक बारी, तो ये पूरा राजाजी नेशनल पार्क है, आप देख सकते हैं आसपास फेंसिंग हो रखी है और बड़ी ही ख़तरनाक फेंसिंग है जिससे कि कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। देखेंगे आप तो ये कर रखा है जिससे कि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आए, तो पूरा वायर के अंदर वायर है, ये चारों तरफ कर रखा है। तो ये है राजाजी नेशनल पार्क और काफ़ी जानवर का खतरा रहता है यहाँ पर, टाइगर वगैरह भी हैं यहाँ पर। पास में सफारी का गेट था वो भी इसी का पार्ट है, तो बस ये आपको एक ओवरव्यू देना था। अभी कुछ आसपास एकदम ग्रीन है, एकदम शांति है, आप सुन रहे होंगे शायद पंडित जी मंत्र जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है अच्छे खासे। ये है मेन मंदिर, अंदर चलते हैं, पहले एक बार बाहर देख लें। ऐसा कुछ है बाहर का ओवरव्यू, कुछ चेयर्स बेंचेस पड़ी हुई हैं, देख के थोड़ी सी ना पुराने जो मंदिर होते हैं, जो किले होते हैं, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। और बाहर देखिए, ये मंदिर ऐसे तो है, ये सिद्धपीठ है बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन इस सब के लिए ज़्यादा फेमस है। देखिए एकदम नेचर के बीच में है, चारों तरफ एकदम घनी हरियाली, और मानसून में ये मंदिर, हालांकि यहाँ पर जितना डिफ़िकल्ट आना है उतना ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि ग्रीनरी आप देखेंगे आसपास, वो टॉप पर भी जाना है हमको अभी। तो शुरुआत करते हैं पहले मेन मंदिर से। तो ये है सरस्वती देवी मंदिर, ये है गर्भगृह माता जी का, यहाँ पर अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। अब देखें बड़ी सुंदर सी मूर्ति है माता की, और देख के लगता नहीं है कि इतना सुंदर मंदिर जंगलों के बीचों बीच बना रखा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांति है यहाँ पर। एक परिक्रमा दिखाते हैं आपको, यह बैकग्राउंड, यहाँ पर कुछ बैठने करने के लिए या कुछ कभी कोई कीर्तन वगैरह होता है उसके लिए स्पेस है यहाँ पर, तो काफ़ी लंबा हॉल टाइप है ये, और साथ में कुछ रूम्स बने हुए हैं, ये शायद मंदिर में जो लोग रहते हैं उन सब के लिए होंगे। तो अब चलते हैं इस तरफ, ऊपर वाला जो मंदिर दिखाया था आपको मैंने, तो ये है दोस्तों माँ काली का मंदिर, और लॉक पड़ा हुआ है हालांकि, कोई है नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी हाइट पर है उस मंदिर से। अब मैं आपको नीचे वाला दिखाता हूँ, ये है मेन मंदिर, और ये so loud as the hours
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।